के जमाने में जहां स्मार्टफोन सबकी जरूरत है, वहीं अगर आपके हाथ में आईफोन हो तो आपकी सोसाइटी में इज्जत काफी बढ़ जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। और इसी बात को कायम रखते हुए हमारे साथ आज राजू जी हैं, जिनके पास एक नहीं बल्कि दो दो आईफोन हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं से कि आखिर वो ऐसा कमाल कैसे कर पाए। तो राजू जी बताइए, जहां एक आईफोन खरीदने के लिए लोगों को अपनी जायदाद तक बेचनी पड़ जाती है, वहीं आपने दो दो नए आईफोन खरीद लिए, कैसे हुआ ये चमत्कार? पहले मेरे पास आईफोन नहीं था बल्कि एक साधारण फोन था। सोसाइटी में मेरी कोई इज्जत नहीं थी क्योंकि लोगों के पास आईफोन थे और मैं एक देसी सा मोबाइल फोन लेकर घुमा करता था। मैं बहुत दुखी रहता था। मैंने आईफोन लेने के लिए अपने पापा की जेब भी। यहाँ पे मैं आपको टोकना चाहूंगा राजू जी, एक सेकंड। तो देख लीजिए दर्शकों, देश का नौजवान युवा कैसा महसूस करता है जब उसके पास आईफोन नहीं होता है। आगे बोलिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैंने आईफोन लेने के लिए अपने पापा की जेब से पैसे चुराए और यहाँ पे मैं आपको फिर से टोकना चाहूंगा राजू जी, एक सेकंड, माफ कीजिएगा। देख लीजिए दर्शकों कि देश का युवा आज आईफोन नहीं मिल पाने की वजह से अपने बाप की जेब से पैसे चुराने से भी परहेज नहीं करता है। क्या यही अच्छे दिन है? आगे बोलिए। नहीं तू ही बोल ले। नहीं, तू ही बोल ले पहले। ये जो बीच में बार बार टोका टाकी कर रहा है तो तू ही बोल ले सब कुछ। लगता है आप बुरा मान गए। कोई बात नहीं, अब आपको बीच में नहीं टोका जाएगा, आप चालू रहिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आईफोन ना होने की वजह से मैं काफी दुखी हो गया था। मैंने आईफोन लेने के लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने पापा की जेब से पैसे चुराए, अपनी माँ का मंगल सूत्र गिरवी रख दिया, यहाँ तक कि अपनी स्कूल की किताबें भी रद्दी वाले को रद्दी के भाव बेच दिया। पर फिर भी मैं उतने पैसे तक न जुटा पाया जितने में आईफोन का चार्जर भी आता हो। मैं बहुत दुखी हो गया था, परेशान हो गया था। ओहो, ये तो बड़े अफसोस की बात है। मैं आईफोन लेने के लिए कुछ भी कर सकता था, पर मैं करता तो क्या करता। तभी एक दिन मेरी मौसी मेरे घर आई। उन्होंने सलाह दी कि किडनी बेचकर आईफोन ले लो। मौसी की सलाह ने मेरे दिमाग की बत्ती जला दी। फिर क्या था, मैंने दोनों किडनियां बेच डाली। क्या, दोनों किडनियां? हाँ, अब मेरे पास दो दो आईफोन है, पर मौसी नहीं है। क्या? हाँ, क्योंकि वो दोनों किडनियां मौसी की थी। दर्शकों, लगता है राजू जी अपनी मौसी की किडनियों की बलि चढ़ाकर मानसिक रूप से हिल गए हैं, इसलिए मैं। अबे ओ रिपोर्टर के बच्चे, रुक जा दो मिनट। तुझे क्या लगा मैंने आईफोन के लिए अपनी मौसी को मार दिया? पगलेट है क्या बे? मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक। मजाक और नहीं तो क्या। मैंने आईफोन कोई किडनी विडनी बेच कर नहीं लिया। फिर कैसे लिया आपने ये इतना महंगा आईफोन, वो भी दो दो? मिनी जॉय से। मिनी जॉय? ये क्या है? हाँ, मिनी जॉय। नए मिनी जॉय प्रो में कई नए गेम्स ऐड हुए हैं जिनसे हम हजारों हजार रुपए जीत सकते हैं। जैसे कि ये गोल्डन हैंड गेम, इसके अंडों को टच करके हम पैसे जीत सकते हैं। इसके अलावा स्क्रैच कार्ड, स्पिन गेम जैसे कई और भी जबरदस्त गेम्स हैं जिन्हें खेलकर पैसे कमाए जा सकते हैं। सबसे मस्त गेम तो अलादीन का लैंप है। इसमें एक जादुई चिराग होता है जिसको टच करने से हम रुपये जीत सकते हैं। चिराग को टच करते जाओ रुपये जीतते जाओ, टच करते जाओ रुपये जीतते जाओ। देखो, जैसे जैसे मैं चिराग को टच कर रहा हूँ मैं रुपये जीतते जा रहा हूँ। इस तरह से अपनी दौलत बढ़ाते जाओ, और जब कभी भी पैसे निकालने का मन हो बिल्कुल आसान तरीके से एक ही क्लिक में सारे पैसे अपने पेटीएम अकाउंट में आ जाते हैं। अरे वाह, अब तो मैं भी मिनी जॉय से पैसे कमाऊंगा और आईफोन खरीदूंगा। तो दोस्तों, आप भी मेरी तरह आईफोन खरीदिए, मगर किडनी बेचकर नहीं, मिनी जॉय से पैसे जीतकर। क्या समझे?